हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सामने आप देख रहे हैं मारुति एक्सेल 6 जेटा सीएनजी 2023 वेरिएंट। आज इस वीडियो में डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें। बात करें गाड़ी की प्राइसिंग के बारे में, 12,51,000 रुपये एक्स शोरूम है, वहीं 14,25,000 रुपये ऑन रोड है हरियाणा के अंदर। वहीं इस प्राइस रेंज के अंदर आपको मारुति की कमाल की 7 सीटर प्रीमियम गाड़ी देखने को मिल जाती है। दो ऐसी गाड़ी है मारुति के पास जो सबसे ज़्यादा बिकती है, अर्टिगा और एक्सेल 6। लेकिन अर्टिगा का थोड़ा सा नाम इसलिए ख़राब है क्योंकि भाई वो गाड़ी चलती है ज़्यादा टैक्सीज में, इसलिए भाई आप ये गाड़ी बाय कर सकते हो। काफ़ी कमाल की गाड़ी है, डिटेल में रिव्यू करेंगे। सबसे पहले आप चेक करो गाड़ी का लुक। अर्टिगा और एक्सेल 6 में लुक वाइज ज़्यादा चेंज आपको नहीं मिलेगा, हालांकि प्राइस में आपको 86,000 रुपये का डिफरेंस मिलेगा अगर आप अर्टिगा ZXi CNG बाय करते हैं तो। राइट, बात करें ओवरऑल गाड़ी के फ्रंट लुक के बारे में, तो अर्टिगा से थोड़ी सी बेटर जो है लुक आपको एक्सेल 6 में मिलती है, क्योंकि आगे का जो उसका लुक है ना वो काफ़ी मैसिव निकल के आता है। वहीं अर्टिगा का जो लुक है वो हल्का सा स्लिक डिज़ाइन के साथ वहाँ पर दिया गया है। विड्थ की बात कर लेते हैं, लगभग 1750 mm की गाड़ी में विड्थ मिल जाती है। वहीं अगर बात करें फीचर के बारे में, तो भाई अर्टिगा से फार बेटर फीचर आपको यहाँ पे मिलते हैं। जैसे सामने की जो हेडलैम्प है ये आपको मिलती है पूरी LED में, ये देखिए 1, 2, 3, 4 बैरल मिलेंगे आपको यहाँ पे LED प्रोजेक्टर के, और यहाँ पे आपको व्हाइट कलर की लाइट मिलती है ऑन होने के बाद, भाई काफ़ी गजब के लगते हैं। वहीं रिफ्लेक्शन काफ़ी बढ़िया है। सामने LED DRL मिल जाते हैं, अभी ये ऑन है, वहीं यहाँ पे इंडिकेटर मिलता है। ये है सामने के ग्रिल, सामने सुजुकी का लोगो मिल जाता है, और स्किड प्लेट भी आपको नीचे देखने को मिलेगी। फोग लैंप आपको यहाँ पे हेलोजन में मिलेगा। तो ये कहानी हो जाती है सामने से। अर्टिगा से फार बेटर लुक जो है आपको आगे मिलता है। वहीं मस्कुलरिटी आपको एक्सेल 6 में देखने को मिलेगी। नेक्सा का प्रोडक्ट है इसलिए प्रीमियमनेस आपको इस गाड़ी में देखने को जरूर मिलेगी। साइड लुक की बात करें, लेंथ दोनों गाड़ी की सेम है, 4445 mm की यहाँ पे लेंथ मिल जाती है। वहीं लगभग आपको 2750 mm का व्हील बेस मिलता है, इसलिए स्पेस आपको इस गाड़ी में काफ़ी भरपूर मिलता है ना। फेंडर के ऊपर आपको कुछ इस प्रकार का एलिमेंट मिलेगा जो कि दिखने में एक स्पोर्टी सा लुक देता है गाड़ी को। ये है गाड़ी का टायर सेक्शन, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 16 इंच के टायर, 195/60R16 ड्यूल टोन में, राइट, डायमंड कट ड्यूल टोन यहाँ पे अलॉय दे जाते हैं। आगे डिस्क ब्रेक है, रियर में ड्रम ब्रेक है, 16 इंच के टायर है। वहीं अर्टिगा के अंदर आपको 15 इंच के टायर मिलते हैं, ये भी एक बड़ा डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। व्हील के ऊपर आपको मिलता है व्हील आर्चेस, साइड में आपको मोल्डिंग मिल जाती है, वहीं नीचे भी आपको स्किड प्लेट मिलती है। दिखने में भाई ये गाड़ी काफ़ी कमाल की लगती है। रूफ के ऊपर आपको रूफ रेल मिल जाती है, अर्टिगा ZXi CNG में नहीं आती। वहीं पीछे आपको शार्कफिन एंटीना मिलेगा, ये भी अर्टिगा ZXi CNG में नहीं मिलता है। जो डोर हैंडल है ये आपको मिलेंगे क्रोम फिनिश में, यहाँ पे आ जाता है रिक्वेस्ट सेंसर, और जो ORVM है ये आ जाते हैं बॉडी कलर्ड, इंडिकेटर यहाँ पे आ जाता है, फोल्डेबल एडजस्टेबल दोनों फंक्शन के साथ आता है। ठीक है, ये कहानी हो गई ओवरऑल साइड से। और पीछे आपको बड़ा क्वार्टर ग्लास पैनल मिलेगा, जो बंदा अंदर बैठा भाई उसको काफ़ी बढ़िया फील होगा, अंदर काफ़ी स्पेस आपको इस गाड़ी में मिलता है। ये है गाड़ी का रियर लुक, रियर से भी भाई गाड़ी बहुत ही प्रीमियम सी मुझे फील होती है। हाई माउंट स्टॉप लैंप है, डिफोगर, रियर वाइपर, रियर वॉशर, ये सब यहाँ पे आ जाते हैं। गाड़ी CNG है इसलिए यहाँ पे आपको CNG का स्टिकर मिलेगा। पीछे वाला ये वाला जो पैनल है ना ये ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ आता है, काफ़ी प्यारा लुक देता है गाड़ी को। 4 पॉइंट्स से जाते हैं पार्किंग सेंसर के, नीचे स्किड प्लेट है, रिफ्लेक्टर यहाँ पे दिए गए हैं, एक्सेल 6 की बैजिंग है। जो टेल लैंप्स है ये आपको मिलते हैं पूरे LED में ऑन होने के बाद, काफ़ी बढ़िया लगते हैं। और ये है इंडिकेटर और ये है ब्रेक लाइट। हालांकि जो ये टेल लैंप है ये पहले से काफ़ी बेटर कर दिए हैं, वहीं इसका लुक जो है पूरा ट्रांसपेरेंट कर दिया है। ये देखिए पीछे से भाई गाड़ी काफ़ी गजबी लगती है। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं गाड़ी का बूट स्पेस। बूट में जाने से पहले आपको दिखाते हैं गाड़ी की चाबी, ये यहाँ पर मिल जाती है रिमोट की, लॉक एंड लॉक का बटन है, सिंपल। बूट स्पेस की बात करें, 210 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। गाड़ी है CNG इसलिए आपको पीछे टैंक मिलेगा जो कि 60 लीटर वाटर कैरिंग कैपेसिटी के साथ आता है, और जो गैस है वो इसमें आ जाएगी लगभग 7 से 8 किलो, है ना, 60 किलो पानी आ जाता है लेकिन गैस इसमें आएगी 7 से 8 किलो। काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई ये सही नहीं बता रहे, ये वाटर कैरिंग कैपेसिटी आपको बता रहा हूँ, गैस तो इसमें 7 से 8 किलो ही आएगी, अच्छे से प्लेस किया हुआ है। और अगर बात करें बूट स्पेस के बारे में, तो भाई बूट स्पेस से आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर आपकी गाड़ी में 6 बंदे बैठे हैं तो। वहीं अगर आपकी गाड़ी में 4 से 5 बंदे हैं तो भाई आराम से इन सीट पर बैठ सकते हो। और जो ये सीट है ये भाई फोल्ड हो जाती है, देखिए मैं आपको फोल्ड करके दिखा देता हूँ, यहाँ से आराम से हो जाएगी फोल्ड। फोल्ड होने के बाद स्पेस काफ़ी बढ़िया निकल के जाता है, वरना भाई स्पेस ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। एक्सेल 6 नाम से ही पता चल रहा है 6 सीटर कार है, इसको भी अगर हम फोल्ड कर देंगे तो स्पेस काफ़ी बढ़िया निकल जाएगा, काफ़ी लगेज आपको यहाँ पे आ जाएगा। वहीं प्रॉपर इंसुलेशन यहाँ पे आपको मिलेगा।
देखिए आपकी गाड़ी में हर बार 7 बंदे तो नहीं होंगे, है ना, हर बार 5 से 6 आदमी ही होते हैं, तो भाई उसके लिए एक्सल 6 बेस्ट ऑप्शन है कंपेयर टू अर्टिगा। काफ़ी बढ़िया लुक यहाँ पे आ जाता है, सीएनजी भी अब आने लग गई है, तो भाई इससे बढ़िया जो है गाड़ी नहीं हो सकती। आप अपनी गाड़ी में सीएनजी लोगे कहाँ से, वो लोगे यहाँ से, यहाँ पे आपको वेंट मिल जाता है पेट्रोल का और सीएनजी का, अलग से कोई वेंट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, और भाई धूप हो रही है काफ़ी ज़्यादा, अंदर बैठ के आपको डोर दिखा देते हैं। ये देखिए ओपनिंग वाइड है, कोई दिक्कत नहीं होगी एंट्री एग्जिट करने में। यहाँ पे आपको मिल जाएगा सॉफ्ट टच, ऑल फोर पावर विंडो के बटन, यहाँ से आप ओवरवीएम को एडजस्ट कर सकते हो, बटन होल्ड स्पीकर। गाड़ी में आपको 6 स्पीकर का सेटअप मिलेगा, और ट्विटर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है, और यहाँ पे आपको मिलती है साइड बिडिंग। ये देखिए काफ़ी बढ़िया लगती है, एक प्रीमियम लुक देती है गाड़ी को। सीट की बात करें तो भाई अर्टिगा से फार बेटर सीट यहाँ पे आपको मिलेगी, हालांकि फैब्रिक अपहोल्स्ट्री के साथ आती है, लेकिन साइड में आपको लेदर का लुक जो है यहाँ पे आपको मिल जाता है, काफ़ी अच्छी सी फील होती है। वहीं सीट पे आपको हाइट एडजस्टमेंट भी मिल जाता है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे मिलते हैं। अंदर बैठते हैं, भाई धूप काफ़ी ज़्यादा है, गाड़ी करते हैं स्टार्ट। ये देखिए एसी करते हैं स्टार्ट, एसी तो ऑन है, फैन स्पीड करते हैं कम। ओहो भाई गर्मी, एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, पूछो मत यार। आप सीएनजी फुल है इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से गाड़ी में बैठ के आपके लिए वीडियो बनाते हैं, ठीक है। सीट कर लेता हूँ पीछे, तो ये कहानी मिलती है अंदर से। अर्टिगा और एक्सल 6 में ज़्यादा डिफरेंस आपको अंदर से फील नहीं होने वाला, ना ही बाहर से फील होता है, लेकिन हाँ एक्सल 6 का जो डैशबोर्ड है ये मिलता है पूरा ब्लैकआउट, और अर्टिगा का जो डैशबोर्ड है वो आता है ड्यूल टोन के साथ, तो ये एक डिफरेंस अंदर से आपको मिल जाता है। स्टीयरिंग की बात कर लेते हैं, तो स्टीयरिंग आपको डी कट के साथ मिलती है, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक के साथ मिलेगा, ये देखिए, ठीक है। स्ट्रोक्स आपको यहाँ पे मैनुअल मिलेंगे वाइपर के एंड हेडलैम्प के, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल से जाते हैं, वहीं यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर भी देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको सारे टेलीफोनिक बटन मिलेंगे। ये है गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि एनालॉग है, स्पीडोमीटर आरपीएम मीटर दोनों यहाँ पे दिए गए हैं, बीच में एमआईडी है, जरूरी इन्फॉर्मेशन ये शो कर देता है। वहीं यहाँ पे आपको सीएनजी का गेज और यहाँ पे आपको मिलेगा पेट्रोल का गेज, इसके लिए अलग से यूनिट दी गई है, है ना, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हालांकि एनालॉग में लेकिन फिर भी काफ़ी प्यारा लुक निकल के आ रहा है। यह है गाड़ी का सेंट्रल कंसोल, सामने आ जाता है 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले जैसे फीचर को ये सपोर्ट करता है वायरलेसली। डैशबोर्ड के ऊपर मिलता है कुछ इस प्रकार का एलिमेंट जो कि काफ़ी बढ़िया लुक दे रहा है गाड़ी को, वहीं यहाँ पे आपको मिल जाता है सिल्वर लुक। ऑटोमेटिक एसी आ जाता है, कूलिंग भाई अर्टिगा और एक्सल 6 की काफ़ी कमाल की निकल के आती है। नीचे आपको मिलेगा 12 वोल्ट का पावर सॉकेट और यूएसबी पोर्ट, यहाँ पे आपको मिल जाता है वेंटिलेटेड ग्लव बॉक्स, हम इसको कूल्ड ग्लव बॉक्स भी बोल सकते हैं, और ये है गाड़ी का ग्लव बॉक्स, इसको बोलेंगे हम कप होल्डर। मैनुअल आईआरवीएम यहाँ पे आ जाता है, और ये है गाड़ी का सनशेड, इस साइड में आपको मिल जाएगा वैनिटी मिरर, ये सनग्लास होल्डर, यहाँ पे आपको लैंप देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये कहानी होती है ओवरऑल इंटीरियर से, काफ़ी बढ़िया लुक निकल के आता है अंदर से। 5 स्पीड का गियर बॉक्स आ जाता है, यहाँ पे आपको मिलेगा एडजस्टेबल हेडरेस्ट, ठीक है, मूविंग है, इसके नीचे भी आपको स्टोरेज मिलता है। लेग रूम की बात करें, अंडर थाई सपोर्ट की बात करें, भाई सीट कंफर्ट अर्टिगा एक्सल 6 में काफ़ी कमाल का निकल के आता है, बैठने में आपको काफ़ी बढ़िया सा फील होगा, वहीं यहाँ पे आपको मिल जाता है ट्रैक्शन कंट्रोल, और यहाँ पे आपको फ्यूल को चेंज करने का बटन मिलेगा, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आता है, हेडलैम्प को लेवल करने का बटन मिलेगा। सेफ्टी फीचर की बात करें, ABS with ABD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, वहीं गाड़ी में आपको 4 एयरबैग मिलते हैं, 2 आपको आगे और 2 आपको इन सीट में मिलेंगे, ऐसे करके गाड़ी में आपको पूरे 4 एयरबैग मिल जाते हैं। सेफ्टी यहाँ पे काफ़ी बढ़िया निकल के जो है आपको देखने को मिलेगी। अब चलते हैं गाड़ी की सेकंड रो में, गाड़ी को ऑन ही रहने देते हैं क्योंकि भाई गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। AC स्टार्ट कर देता हूँ पीछे की, ठीक है, अब चलते हैं पीछे वाली सीट पर। 14,25,000 रुपये में भाई गाड़ी काफ़ी कमाल की है, 86,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे अर्टिगा ZXi CNG से, वहीं भाई गाड़ी काफ़ी प्रीमियम है अर्टिगा से। डोर ओपनिंग वाइड है, बड़े बड़े डोर मिलेंगे, बैठने में दिक्कत आपको नहीं आने वाली, ये वाला पार्ट मिलेगा आपको सॉफ्ट टच के साथ, स्पीकर, बोतल होल्डर, और यहाँ पे मिलेगा पावर विंडो का बटन। अब चलते हैं अंदर, एक्सल 6 है मतलब यहाँ पे आपको 6 सीट मिलती है, 7 सीट अगर आपको लेनी है तो भाई उसके लिए आपको अर्टिगा की ओर जाना पड़ेगा। AC ऑन है और भाई मैंने AC वेंट को इस तरफ कर लिया है, भाई पीछे भी बहुत बढ़िया हवा आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा स्पीड को कम ज़्यादा करने का बटन, बहुत सही यार,
ये देखिए है ना। बात कर लेते हैं सीट के बारे में, तो भाई सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, बैठने में आपको काफ़ी बढ़िया फील होने वाला है, और आप इन सीट को भी रिक्लाइन कर सकते हो अपने हाइट के अनुसार, अपने बैठने के अनुसार। ये देखिए जो ये सीट है ये आराम से रिक्लाइन हो जाती है, बैठने के बाद आपको काफ़ी बढ़िया कंफर्टेबल सा फील होने वाला है। ये देखिए मैं आराम से बैठा हूँ है ना, और मैं जितना चाहूँ उतना इस सीट को पीछे रिक्लाइन कर सकता हूँ, इसलिए जो कंफर्ट है वो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल को जाएगा। लॉन्ग जर्नी आपकी यहाँ पे आराम से होने वाली है। यहाँ पे आपको केवल 6 सीट मिलने वाली है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एडजस्टेबल हैंड रेस्ट। ये देखिए आराम से बैठ के आप ट्रैवल कर सकते हो। पीछे आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट देखने को मिल जाता है, और पीछे से कुछ ऐसा लुक निकल के आता है। ये देखिए क्या गजब गाड़ी है। अगर आपको जाना है पीछे वाली सीट पे, तो या तो आप जाओ यहाँ से निकल के, या फिर ये सीट डाउन होने के बाद आप आराम से पीछे जा सकते हो इन सीट पे है ना। पीछे भी आपको 2 सीट मिलेगी, एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे मिलेगा, पीछे आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी मिल जाता है, वहीं आपको कप होल्डर भी मिलेगा। बड़ा क्वार्टर ग्लास पैनल है, इसलिए कोई बंदा अंदर बैठता है भाई उसको एरी सा फील होने वाला है। बाकी बात करें सीटिंग कंफर्ट के बारे में, डेफिनेटली सीटिंग कंफर्ट नेक्स्ट लेवल है इस गाड़ी में। आप कैसे भी इन सीट पे बैठ सकते हो, वहीं बीच में स्पेस, इसलिए भाई आप अपने पैर को फैला के ऐसे भी बैठ सकते हो। ये देखो मैं आराम से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, वहीं बड़े बड़े क्वार्टर ग्लास पैनल मिल जाएंगे, बड़ा यहाँ पे आपको ग्लास मिलेगा, इसलिए अंदर बैठते हो आप बाहर का नज़ारा आराम से उठा सकते हो। तो ये एक मज़ा आपको इस गाड़ी में मिलता है। अगर आप घूमने के ज़्यादा शौकीन है, तो भाई आप इस गाड़ी को बाय करके कहीं भी लेके जा सकते हो, काफ़ी कमाल की गाड़ी है। तो ये कहानी हो गई ओवरऑल इंटीरियर में। अब चलते हैं इंजन पार्ट की ओर। इसको करते हैं यहाँ से बंद, और यहाँ से करते हैं हुड ओपन। कहाँ गया ये देखिए, बहुत अंदर दिया गया है। अब खोलते हैं बोनेट। इंजन की बात करें तो भाई अब इसके अंदर आपको मिलेगा BS6 फेज 2 वाला इंजन। इंजन की बात करें 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल प्लस CNG इंजन यहाँ पे मिलता है, जो कि निकालता है 87 BHP और 121 Nm का टॉर्क। इंजन काफ़ी रिफाइन है, काफ़ी मज़ेदार इंजन है, काफ़ी बढ़िया माइलेज इनफैक्ट निकाल के देता है। प्रॉपर इंसुलेशन आपको यहाँ पे मिलेगा, हालांकि इंसुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी भाई काफ़ी गजब का जो है यहाँ पे इंसुलेशन मिल जाता है। इंजन काफ़ी रिफाइन है, कोई भी वाइब्रेशन नॉइज गाड़ी के अंदर तक नहीं आती। BS6 फेज 2 वाला इंजन यहाँ पे आ गया है, काफ़ी बढ़िया माइलेज निकल जाती है। CNG अब आपको XL6 में देखने को मिलेगी, वहीं आप ओवरऑल लुक देख सकते हो, क्या कमाल का लुक जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ओवरऑल ये थी वीडियो XL6 जेटा CNG 2023 वेरिएंट की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।